नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रकाश जी, जो कि हिलसा अधिवक्ता संघ के पूर्व संयुक्त सचिव भी हैं और बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के शाखा हिलसा के सचिव हैं। इसके साथ साथ जदयू से भी जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कई सवाल। सबसे पहले, अधिवक्ता होने के नाते वोट है कब से मॉर्निंग हो रही है? वोट 4 तारीख से, सोमवार से मॉर्निंग होने जा रही है। हम लोग संघ में काफ़ी गर्मी पर, पूरे बिहार में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, उससे आहत हम लोग भी हैं। अब हमारी जो है समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं वकीलों के साथ जी। तो उस पर मैं कहना चाहता हूं कि जो अधिवक्ता के लिए बहुत सा सिविल कोर्ट में मुकदमाएं, जो कि SC ST एक्ट और उत्पाद अधिनियम का जो केस जो है बहुत जगह ट्रांसफ़र जो है हो गया है, यहाँ पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे तो बहुत अच्छा रहता। मुख्यमंत्री पर बात आया कि आप जदयू से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री का आगमन आपके हिलसा शहर में होने जा रहा है, यहाँ तक कि पॉकेट में भी मुख्यमंत्री का ही देखते हैं, चित्र इनका है, तो क्या कहिएगा आप? मैं जनता दल यू से 300 बरस से पहले कार्य करता रहा और आज जनता दल यू के हम एक्टिव मेंबर हैं, सक्रिय सदस्य हैं और उनका जो हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे विचार के हैं। बिहार को जो है, बिहार की धरती को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सींचा। अब हम लोग को जो है, मैं दल्लोबीघा गांव से बिलोंग करता हूं, जो आज से 20 वर्ष पहले का स्थिति था हम लोग के गांव तरफ, उसमें 75% सुधार हो चुका है, लेकिन आज भी 25% सुधार होने की आवश्यकता है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से काफ़ी रिस्पेक्ट, काफ़ी आदर, मैं अपने मुख्यमंत्री जी का काफ़ी आदर करता हूं। और 6 तारीख को हिलसा के स्वराज पैलेस के पीछे आ रहे हैं, लोगों से मिले में क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि हिलसा की धरती पर वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। इसके लिए हिलसावासी का बहुत बहुत जो है शुक्रिया लोग अदा कर रहे हैं, बहुत उम्मीद कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जब हिलसा आएंगे, क्या लगता है, कुछ ना कुछ सौगात हिलसा को मिलेगा, कोई नई चीज़? पहले भी हिलसा के पूर्वी और पश्चिमी बाईपास दे चुके हैं। हाँ, पूर्वी और पश्चिमी बाईपास हम लोग को पहले तो मुख्यमंत्री जी हमारे दे ही दिए हैं। लोगों को उम्मीद है कि कुछ और दें, ताकि यहाँ पर जैसे है मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, अगर दे देते तो यहाँ की काफ़ी सुविधाएं होती, काफ़ी जो है यहाँ का जो वातावरण है जो बहुत अच्छा हो जाता और सुंदर ढंग से उनको जो है उनके चरण कमलों में लोग बहुत दिन तक 20 वर्ष तक रहे। अब कुछ और समस्याएं, जो समस्या था हिलसावासियों के लिए, जो उन्होंने देने का कार्य किए हैं।